गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू केमिस्ट्री रॉक्स। गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ फिजिक्स का इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आपको पता है हरियाणा बोर्ड का जो एग्ज़ाम है क्लास ट्वेल्थ का, जो फिजिक्स का एग्ज़ाम आपका होने वाला है, और उसके लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो बताने जा रहा हूँ। बच्चों, मैंने केमिस्ट्री के सारे वीडियोज़ चैप्टर वाइज इस चैनल के ऊपर अपलोड किए हुए हैं, जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं बहुत ईजी वे के अंदर किस तरीके से टॉपिक्स को पढ़ा जाना है। केमिस्ट्री के सारे मैंने चैप्टर वाइज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ इस चैनल के ऊपर अपलोड किए हुए हैं। बाकी पूरे चैप्टर के भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो बनाया हुआ है केमिस्ट्री का, क्योंकि केमिस्ट्री का पेपर थोड़ा सा टफ आता है हरियाणा बोर्ड का, लेकिन बच्चों की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है, कमेंट आ रहे हैं उन वीडियोज़ के अंदर कि फिजिक्स के क्वेश्चन के बारे में बताया जाए, क्योंकि फिजिक्स का एग्जाम होना है और फिजिक्स के एग्जाम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाए। तो बच्चों, जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं फिजिक्स के, कई कई सालों से जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, 10-12 सालों के पेपर निकालने के बाद जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, उन क्वेश्चंस को मैं आपके सामने लेके आया हूँ इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, 15 क्वेश्चन इसके अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ पूरे के पूरे फिजिक्स से, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उन क्वेश्चंस को बताऊंगा, उन क्वेश्चंस को कैसे लिखना है बच्चों और कैसे उनका आंसर देना है, फिजिक्स के अंदर कैसे स्कोर किया जाएगा, सारी चीज़ें बताऊंगा। प्लीज़ इसको वीडियो को आप ध्यान से सुने। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों हमारा यूनिट वन से हमारा, वो है कि स्टेट गॉस थ्योरम, प्रूव इट एंड राइट डाउन इट्स एप्लीकेशन। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों हमारी यूनिट नंबर वन से, चैप्टर नंबर वन से। आपको पता भी होगा कि हमारा जो चैप्टर वन से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होता है वो है स्टेट गॉस थ्योरम। हमें गॉस थ्योरम को स्टेट करना है और उसको एक्सप्रेशन लिखना है, उसका डेरिवेशन हमें कंप्लीट करके देना है गॉस थ्योरम का। ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा जो कि चैप्टर नंबर वन से, यूनिट नंबर वन से है गॉस थ्योरम। सेकंड जो क्वेश्चन है बच्चों हमारा वो है रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में जो रिलेशनशिप है, जो डेरिवेशन है वो करना है बच्चों। फिजिक्स के अंदर डेरिवेशन का बहुत बड़ा रोल होता है, डेरिवेशन ज़्यादा आते हैं। हरियाणा बोर्ड के अंदर नॉर्मली क्या आता है, हरियाणा बोर्ड के अंदर डेफिनेशंस का भी बहुत बड़ा रोल होता है। कुछ डेरिवेशंस हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, वो डेरिवेशंस मैं आपको सारे के सारे बता ही रहा हूँ, और बीच में जो डेफिनेशंस हैं वो भी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। जैसे कि ओम्स लॉ है, ओम्स लॉ की डेफिनेशन बहुत पूछी जाती है, कूलम्स लॉ है, कूलम्स लॉ बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें बच्चों, क्वेश्चन नंबर थ्री, एक्सप्रेशन फॉर द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर थ्री है, इसका एक्सप्रेशन है हमारा। फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों हमारा जो, वो आप देख सकते हैं, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा किरचॉफ्स लॉ, रीस्टोन ब्रिज एंड मीटर ब्रिज। किरचॉफ्स लॉ है, रीस्टोन ब्रिज है और मीटर ब्रिज है। तो बच्चों इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा ये किरचॉफ्स लॉ, रीस्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज। एक क्वेश्चन हमारा पोटेंशियोमीटर भी है बच्चों, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपसे थियोरेटिकली ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या डिफरेंस है वो भी आपसे बहुत इंपॉर्टेंटली पूछा जाता है। तो जैसे कि हमारा किरचॉफ्स लॉ, रीस्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है बच्चों, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिलेशनशिप बिटवीन ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। आपका ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस के बीच में क्या रिलेशनशिप है, उसका जो डेरिवेशन है वो आपको करके दिखाना है। दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है हमारा। इसके अलावा बच्चों क्वेश्चन नंबर सिक्स हमारा जो है वो है पोटेंशियोमीटर और उसकी एप्लीकेशंस। पोटेंशियोमीटर आपको कराया गया होगा, उसकी एप्लीकेशंस आपके टीचर ने भी बताया होगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये भी हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। सेवंथ क्वेश्चन हमारा देखते हैं बच्चे, सेवंथ क्वेश्चन है हमारा सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन के जो एक्सप्रेशन है, जो डेरिवेशन है सेल्फ इंडक्शन का और म्यूचुअल इंडक्शन का, वो हमें करना है क्वेश्चन नंबर सेवन के अंदर। इसके अलावा बच्चों एडी करंट की डेफिनेशन बहुत ज़्यादा पूछी जाती है एग्जाम के अंदर, उसको भी आप कर लेंगे इसी चैप्टर से। क्वेश्चन नंबर एट की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर एट है हमारा एक्सप्रेशन फॉर इम्पीडेंस इन सीरीज एलसीआर सर्किट। तो आपको इम्पीडेंस का एक्सप्रेशन करना है सीरीज के अंदर एलसीआर सर्किट के अंदर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर एट। तो क्वेश्चन नंबर एट में आपको एक से लेकर आठ क्वेश्चन बता चुका हूँ बच्चों, 15 क्वेश्चन बता रहा हूँ टोटली मैं आपको इस यूनिट, इस चैप्टर से फिजिक्स से हमारा। क्वेश्चन नंबर नाइन अगर हम देखें तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर नाइन है हमारा आपको डिफ्रेंशिएट करना है डिफरेंस बिटवीन आरएमएस वैल्यू। ये आरएमएफ वैल्यू नहीं है बच्चों, ये आरएमएस वैल्यू है, आरएमएस, ये आरएमएस वैल्यू है, और आरएमएस वैल्यू एंड पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। आपको आरएमएस वैल्यू और पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेट करंट के बीच में डिफरेंस लिखना है। क्वेश्चन नंबर टेन बच्चों हमारा है व्हाट आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड इट्स यूजेस।
जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और उसके यूजेस हैं वो आप तैयार कर लें। इसके अलावा बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एप्लीकेशंस भी आप तैयार कर लें, वन मार्क क्वेश्चन, क्योंकि आपके बहुत ज़्यादा आने 35 मार्क्स के आने हैं, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। कौन सी वेव हीटिंग के लिए यूज़ होती है, कौन सी वेव रेडियो वेव्स में यूज़ होती है, कौन सी वेव हमारी अल्ट्रा वायलेट में यूज़ होती है, उनकी वेव लेंथ क्या होती है, उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इस तरीके से क्वेश्चन आपको एक से दो क्वेश्चन या ज़्यादा भी मिल सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर से आपके पेपर के अंदर। अगर हम बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, व्हाट इज हाइजेंस प्रिंसिपल फॉर सेकेंडरी वेवलेट। सेकेंडरी वेवलेट्स के लिए हमारा जो हाइजेंस प्रिंसिपल है ये भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, जो कि बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा अगर देखें तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप, हर साल एवरी ईयर पूछे जाने वाला क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है बच्चों कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसको भी आप बहुत अच्छे से पढ़ लें तो दैट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 13 की देखें बच्चों तो क्वेश्चन नंबर 13 आपका है आइंस्टाइंस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टाइंस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 13 है, जो आपका ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर वाला, ड्यूअल बिहेवियर वाला जो चैप्टर है आपका, उससे हमारा आइंस्टाइंस का जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन वाला क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इसके अंदर। इसके अलावा आपसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ड्यूअल जो आपकी क्या कहते हैं डी ब्रोकली वेवलेंथ, ये सारी चीज़ें भी पूछ जा सकती हैं। लेकिन अगर मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा क्वेश्चन है वो यही है आइंस्टाइंस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर। उसके बाद अगर बात करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 जो हमारा है, क्वेश्चन नंबर 14 हमारा अगर चैप्टर नंबर 8 से बात करें तो बोहर्स पोस्टुलेट, जो बोहर मॉडल ऑफ एटम है उसके पोस्टुलेट्स, उसकी एजम्पशंस, उसका जो डेरिवेशंस है वो करना है आपको, और ऑब्जर्वेशन अजम्पशंस सारी करनी है आपको रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम के लिए। नॉर्मली बच्चों रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम और बोहर मॉडल ऑफ एटम में से एक ज़्यादा पूछ लेते हैं, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 है जो आपको कर लेना है तैयार बहुत अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट क्वेश्चन की बात करें अगर बच्चों आप, तो लास्ट क्वेश्चन हमारा आपका सेमीकंडक्टर चैप्टर से, लेकिन बच्चों सेमीकंडक्टर चैप्टर के अंदर अगर आपके लॉजिक गेट्स रिमूव हो गए हैं, अगर लॉजिक गेट्स आपके सिलेबस में हैं तो लॉजिक गेट्स कर लेंगे, बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे, लॉजिक गेट्स में क्वेश्चन जरूर मिलेगा। लेकिन अगर लॉजिक गेट्स आपके कुछ स्टेट्स में लॉजिक गेट का चैप्टर आप लॉजिक गेट्स रिमूव कर रहे हैं, अगर लॉजिक गेट्स में आप रिमूव हो चुके हैं तो आप ट्रांजिस्टर कर लेंगे, पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर, या फिर रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर या फिर हाफ वेव रेक्टिफायर, आप इसको पढ़ सकते हैं। तो इन चैप्टर्स को, इन टॉपिक्स को अगर आप पढ़ लेंगे तो ये सारे के सारे टॉपिक बहुत ज़्यादा आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, इनकी आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। हम कन्फर्मली ये नहीं कह रहे कि ये ही आएंगे, लेकिन इनकी आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा इसलिए है क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं बच्चों। तो ये सारे के सारे 15 क्वेश्चन मैंने जो आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको बच्चों फिजिक्स के पेपर की तैयारी ऐसे करनी है, आपको अपने पूर्व सबसे पहले डेरिवेशन तैयार करने हैं, सारे डेरिवेशन तैयार कर लेंगे, तो डेरिवेशन फिजिक्स के चैप्टर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। दूसरे नंबर पर आपको डेफिनेशन तैयार करनी है, उसके बाद आपको तैयारी करनी है एक एक नंबर के क्वेश्चन की, जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आने, इसके अलावा आप लास्ट में तैयारी करें न्यूमेरिकल्स की, हालांकि न्यूमेरिकल्स भी आते हैं फिजिक्स में बहुत ज़्यादा, लेकिन स्टेट बोर्ड के अंदर इतने ज़्यादा न्यूमेरिकल जितने कि सीबीएसई में पूछे जाते हैं इतने नहीं पूछे जाते, तो आप इस तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो ये सारे जो क्वेश्चन बताएं बच्चों मैंने, ये मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है, केवल इनके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। और केमिस्ट्री की बात करें तो बच्चों केमिस्ट्री का पेपर जो होने वाला है, केमिस्ट्री का पेपर हरियाणा बोर्ड में सबसे टफ पड़ता है, उसके सारे के सारे चैप्टर वाइज वीडियो इस चैनल के ऊपर अवेलेबल हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी अवेलेबल हैं पूरी की पूरी केमिस्ट्री के भी। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।